श्री साध जी ने वाजी हुई गुरु साहब संघ जीओ सनेंबर फतेह प्रवान करना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी परम पवित्र गोद विच बैठ के आप जी नाम सिमरन बंदगी दा लाहा ले रहे हो। महापुरखां नूं आप जी सरवण कर रहे से श्रीमान संत बाबा रणजीत सिंह जी भिखी साहब वाले बड़े दयालु होंदे ने महापुरश। कित्थे नाभा है उत्थों आप जी दे दर्शन करन आए ने। महापुरशां दा जीवन ही इस तरह है, सारी सारी रात कदे कदे सड़कां ते निकल जांदी, जीवन दा अद्धे तों ज्यादा हिस्सा। ये कोई एहसान नहीं असीं तुहाडे ते करदे, ये जिहड़ियां दरगाही ड्यूटियां हुंदियां ने ये अकाल पुरख वल्लों हुंदियां ने। सो आप जी भाई बुद्धू दा प्रसंग सरवण कर रहे सी, लंगर दी मर्यादा नूं महापुरश दस रहे सी। जेड़ा ये बंदा सोचता भी लंगर विच सिर्फ साढ़े सिलेक्टेड बंदे रोटी खाणगे, वह धोखा खा जांदे ने। आखो सतनाम वाहिगुरु। गुरमुख प्यारे लंगर छकण आए। मैनूं याद है 4 साल पहला लंगर विच एक सज्जन इत्थों मस्ताने जे आउंदे ने, शराब पीण दा उन्हां दा सुभाअ है। अपने सिंह कहण लगे भी तुसीं शराब पी के ना आया करो, नहीं तां असीं तुहाडी सेवा कर देनी है। ओह बगैर लंगर छकण तों चले गए। सानूं दस्सिया वी ओह अज लंगर छकण तों बगैर ही चला गया कि ना कहने कीती है। कहिंदा उहनां उस सज्जन सिंह ने कीती है, असीं उहनूं सद लिया। क्या रोटी तो तू ओदी बंद कर देती, हवा भी बंद कर देंगा, पानी भी बंद कर देंगा, ओदा धरती ते चलना भी बंद कर देंगा, तेरे प्यो दा राज आ। जे उसने उसनू श्वास दिते ने, मालिक ने समा दिता होया, ना क्यों कीती? जाओ जाके कह के आओ, प्रशादा छको। दस रहे आप जी साइकिल ते गए, बेनती कीती भी प्रशादा छक के जाओ। तुसी ते बेनती कीती वी तुसी जरूर हाजरी भरनी है, लंगर विच प्रशादा जरूर छकना। ठीक है तुसी शराब पींदे हो, तुहाडा कर्म साडा कर्म नहीं। जे सतगुरु ने तुहानू जीवन दिता होया तो जे किते बंदे दे हाथ वंडन की गल आ जाए तो भुखे मार मैं। आखो सतनाम वाहिगुरु। जे किते बंदे दे हाथ सब कुछ आ जाए, पाकिस्तान नू ए हवा ना जान देवे। हवा क्यों? इनू इस करके रब ने वंडन नहीं लाया क्योंकि इन्हें जोगा ही है नहीं। आखो सतनाम वाहिगुरु। जदों दाता सब कुछ दे रहा तैनू की हक आ? मैं हसदा सी इन्हां नूं कि वी तुहाडा चुल्हा जिहड़ा ना इस करके उहदे च अग बलदी आ क्योंकि साध संगत दर्शन देण आउंदी आ। आखो सतनाम वाहिगुरु। ध्यान देना जिहड़ा मैं बेनती कर रहा, इन्हां नूं इही बिठा के कहिंदा साध संगत की कृपा नाल ये तुहाडा चुल्हा चलदा अग बलदी आ, नहीं तो अग ना बले। आखो सतनाम वाहिगुरु। कोई भी दुनिया का महात्मा वड्डे तो वड्डा समागम रचा सकदा, पर वो जिहड़ी सेवा है किसी गृहस्थी तो आ रही है। कोई भी वड्डे तो वड्डा महात्मा, कोई हॉस्पिटल, कोई गुरद्वारा साहब, कोई सराम बना सकता, पर जेड़ी सेवा आ रही है वह गृहस्थी वालों आ रही है।
कोई भी महापुरश वड्डे तो वड्डा लंगर लगा सकदा, पर वो जिहड़ी सेवा आ रही है वो ग्रस्ती वालों आ रही है। इन्ना सब कुछ बाजी जित के ग्रस्ती फिर पिछे खड़ा ते हाथ जोड़े हुए ने, किते गलती हो गई होवे ते खिमा कर देना। आखो सतनाम वाहिगुरु। बाजी ते असल विच तुसीं लै गए हो गुरु दरबार च, तुसीं लै गए हो बाजी। सानू तां तुसीं माण दित्ता है, सारे महापुरशां तां तुसीं माण दिंदे हो, गुरमुखां नूं माण दिंदे हो तुसीं। इह तुहाडे जो तुसीं कर सकदे हो वो दुनिया का कोई इकला बंदा नहीं कर सकता। आखो सतनाम वाहिगुरु। इस करके ही धनवादी हां महापुरखां दे, क्योंकि उन्होंने जाना, मैनूं पता लंबा रस्ता है, उत्थे भी समागम ने, उत्थे भी समागम, वो भी गुरु साहब दे समागम ने, उत्थे भी चढ़न दी गल नाल ही होने ने, क्योंकि परमार्थ जिहड़ा वह रब दे प्यारियां दे हिस्से विच आउंदा। भुलिया नूं सीधे रस्ते पाउंदे ने सतगुर दी बाणी सुना के। अज इत्थों ही शुरू होए सी असीं कि भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर बडभागी पाया, हर राह विचों कुराह निकलदा। कृपा करिओ जरा, हर राह दे विचों कुराह निकल जांदा ते हर कुराह जिहड़ा उह किते ना किते रस्ते पै जांदा। आखो सतनाम वाहिगुरु। ऐसा ही है, कुराहे की है, भुल गया परमेश्वर नूं, भुल गया। अब मेरे मालिक ने हर की गतन है कोई जाने, कोई ये जानना चाहे, ठीक है समुद्र माप लिया लोगों ने, मापिया जा सकता बुद्धि मुताबिक माप लिया, पर सारा नहीं मापिया गया। आखो सतनाम वाहिगुरु। रब नूं दर्शन तो हो सकते ने, कोई लून की डली हो गए वो कहे कि मैं समुद्र की सार लैनी है, वापस कितने आएगी। आखो सतनाम वाहिगुरु। शायर लिखता इकबाल, जो तेरी खबर के लिए गया, जिहड़ा तैनू लभण गया ना, जो तेरी खबर के लिए गया बेखबर हो गया। आखो सतनाम वाहिगुरु। फिर बेनती सुननी, जो तेरी खबर के लिए गया वो बेखबर हो गया, मुड़ के लब्भा ही नहीं, संसार वल नहीं मुड़े, रहे संसार विच ही, पर लोगन से मेरा ठाठा वागा। निर्वाह माता आओ जी, सत श्री अकाल जी, राम राम जी, इन्ना की रहा। वो अंदर तो संसार दे विच ही शरीर उन्हों दा विचरण करदा, पर निर्लेप होंदे ने। आखो सतनाम वाहिगुरु। ओ मौज विच विचरदे ने, गुरमुख दीआं निशानीआं दसियां भाई साहिब भाई गुरदास जी ने, हम मैं गर्व निवारी है, गुरमुख हृदय गरीबी आवे, दो बड़ियां खतरनाक ने, हंकार जिहड़ा गर्व है ना उसनूं भी हंकार ही कहिंदे ने। हौ ते मैं दोनों दोनों ही दोनों इहदे अंदर पलदे रहिंदे आ, मैं मेरे वर्गा कोई हो ही नहीं सकदा। आखो सतनाम वाहिगुरु। भाई साहब जी कहिंदे ने हौमे दा जिहड़ा गर्व है वो बहुत खतरनाक है, उसनूं निवारना पैणा, उसनूं खत्म करना पैणा। गुरमुख हृदय गरीबी आवे, गरीबी फटे हुए कपड़े नूं नहीं कहिंदे भाई साहब, गरीबी निम्रता नूं इत्थे क्या, गुरमुख दे अंदर निम्रता हुंदी है, और इन्नी निम्रता किसे नूं खिमा कर देना। आखो सतनाम वाहिगुरु। धन गुरु पंचम पातशाह जी कोल सिख एक सिख नूं लै के आए, कहिंदे बाबा जी ये अपनी मर्जी करदा ते गलतियां करदा, इसनूं सजा दिओ कर ली रोज असीं कहिंदे आ। मेरे पातशाह जी ने सन्मुख खड़े करके उसनूं कहा जाओ। सिख पुछण लगे महाराज
एक तो वह डट के रोज गलतियां करता, दूसरा तुम ओनू कुछ कहा नहीं। सतगुर कह लगे जेड़ा खिमा कर देना है, सब तो वड़ी सजा है। आखो सतनाम वाहिगुरु। किसे नू खिमा कर देना सब तो वड़ी सजा है, क्योंकि उन्नू जे किते अंदरों शर्म आ जाए, संग आ जाए, फिर मैं इन्नियां गलतियां बजर करैता करदा ते फिर भी मैनू क्या, जा तू यार तू अजे बदल जा। आखो सतनाम वाहिगुरु। ज्ञान मती घट चानना, ज्ञान मत है ना, इत भाई साहब कहते ज्ञान की मत कितने आ जाए, घट चानना कि अंदर सोझी आ जाए, अंदर बैटरियां नहीं जगदियां। आखो सतनाम वाहिगुरु। ये अखां घुट घुट बैटरियां देखना चाहता भी प्रकाश दिसदा कि नहीं, ठीक है, ऐसी गल तो नहीं, प्रकाश तो है अंदर, ऐसी भी कोई गल नहीं। जेड़े सिमरन करते ने वो अखंड प्रकाश विच भी चले जाते हैं, पर इत्थे भाई साहब जी कहते हैं ज्ञान मती घट चानना, परम अज्ञान अंधेर मिटावे। शब्द का जेड़ा ज्ञान है, शब्द का जेड़ा प्रकाश है, शब्द की जेड़ी डिवाइन नॉलेज है, उस दे नाल अज्ञान जेड़ा ओदा हनेरा मिट जाता। आखो सतनाम वाहिगुरु। अज्ञान किया कदे कहिंदा रब हैगा, कदे कहिंदा रब है नहीं, कदे कहिंदा रब साडे लई मर गया, असी सारी उम्र गरीबी च ही कटी। आखो सतनाम वाहिगुरु। एक थोड़ो अलामा दिंदा है अज्ञानता दे विच। देखो जी असी गुरुद्वारा साहब भी जाईदा, नितनेम भी करीदा, थोड़ी बहुती सेवा भी करीदी आ, पर साडा कुछ नहीं बदलिया। आखो सतनाम वाहिगुरु। आप जी ने सांझ पाउणा, मैं कदे शंभ एरिया विच चले जाणा, दरिया दे नेड़े तकरीबन शंभ एरिया उहनूं कहिंदे आ, उत्थे 10-20-50 फुट नाल ही बोर करके पाणी आ जांदा, इकदम पानी आ जाता। सौखी जी गल समझ आ जाती है, जल पानी आ जाता। मैं तो पहला इत्थे इलाके विच जब छोटे होंदे सी 10-12 साल दे, 5 फुट पट के ही पानी आ जाता सी इस इलाके च। 30 फुट ते तां नलका मैं भी अपने घर च देखिया, वो 50 साल रहा, 30 फुट ते बोर सी। पर तुसी किते राजस्थान चले जाओ, 400-400 फुट बोर करके भी पानी नहीं आता। आखो सतनाम वाहिगुरु। ओ गुरमुखो, ये धरती इन्नी सुक गई साड़ी, सही जे कि ज्ञान की गले के अंदर नहीं आनी, उस रेगिस्तान की धरती वर्गा इसका जीवन बन गया। आखो सतनाम वाहिगुरु। इस करके कुछ पल्ले नहीं पैंदा, क्योंकि ओ रेगिस्तान बन गया ये जीवन, सुखा है। आखो सतनाम वाहिगुरु। हे रब के प्यारे कहंदे ने सुख गए कमलाए। आखो सतनाम वाहिगुरु। किते नाम बाणी नाल सिंजिया हुंदा, किते साध संगत विच बैठ के, किते गुरबाणी दे बचन कमाए हुंदे, कदे हो नहीं सी सकदा जीवन नाम बदलदा प्यारे। पर संगत ते करनी पेगी ना गुरमुखां दी, महापुरशां दी। पर कलयुग दा प्रचारक इह गल कहिंदा कि जी किसे तो पुछण दी लोड़ नहीं, आप ही गुरबाणी पढ़ो ते तुहानू ज्ञान हो जाओ। एक बेनती करां, तुहाडा छोटा बच्चा होवे, तुसी वर्दी भी समा के दे दिओ, उसका बैग भी तैयार कर दिओ, किताबां भी पा दिओ, खान पीन दीआं वस्तुआं टिफिन भी रख दिओ, उसनूं दे दिओ, स्कूल छड के भी आ जाओ, जे उत्थे मास्टर नहीं ते किन्ना क पढ़ जाऊ। आखो सतनाम वाहिगुरु। कोई साडे नाल विचार कर सकदा गुरमत दे विचारां दे अधीन दायरे च, गुरमत दे आशे नाल कोई भी विचार साडे नाल कर सकदा के दिने भी कदी भी। मैं बेनती कर रहा सी, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਕੂਲੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
सिखाउण वाला पढ़ाउण वाला कोई नहीं, पीएचडी कर जाऊ आखो सतनाम, वाहिगुरु की एमए कर जाऊ की इंजीनियरिंग कर जाऊ, ओखियाई कादी या सिखण दी आखो सतनाम वाहिगुरु। मैनू याद आ गया कोई सज्जन गड्डी तो उतरे, पढ़े लिखे छे सत जने, किसी नगर विच जाना सी, नवे पहली बार आए सी, तुरे जांदे ने ते नाले एक दूजे नू कहंदे ने रस्ता पता नहीं पुछ लो। वो आजड़ी एक नौजवान बच्चा भेडां चारदिया सी, सुन रहा सी इन्हां नू, ते उन्हां विचों एक कहंदा असीं किहड़ा अनपढ़ आ जिहड़ा सानू रस्ता नहीं पता, पुछण दी की लोड़ आ, इन्हां ने रस्ता ना पुछिया ते अगे चले गए। जिथों मुड़ना सी वो कुदरती हनेरी आउण नाल वो बोर्ड डिग्गिया होया सी क्रॉसिंग दा, हुण इन्हां नू पता ना लगे बोर्ड पुठा पिया आ घूम के भी वो नगर किधर आ, सज्जे आ कि खब्बे आ, अगे आ कि पिछे, हुण की करिए। कहिंदे वो लड़का सी ना वो भेडां चारदा, उसनू जाके पुछ लई, पिछे मुड़ आए, वो कहिंदे काका उस नगर नू रस्ता कित्थों दी जांदा, किधर दी जांदा, ते वो बड़ा सियाना सी, कहिंदा तुसी तां पढ़े लिखे आ आखो सतनाम वाहिगुरु, तुसी तां पढ़े लिखे आ। कहिंदे पैसे लै लो, माया लै लो, रस्ता दस दे। कहिंदे है सी माया ने ते तुहाडी मत मार दित्ती जिहड़ी पुछण नहीं दिंदी, आखो सतनाम वाहिगुरु। है इस माया ने तुहाडी मत मार दित्ती, तुसी समझ लो कि असीं नीवें हो जांगे, पर नहीं है दुनिया दे लोको। मालिक कहिंदे नानक नीवां जो चले लगे ना तत्ती वाह। पुछण च की हर्ज है, प्यार नाल पुछ लो ये राह है, दस दियोगे सिंह साहब गुरमुखो प्यारे हो, राह दस दियोगे आखो सतनाम वाहिगुरु। की कहिंदे भाई साहब, होए निमाना टै पवे दरगह मान निमाना पावे, अगली अगली मंजिल दसी, होए निमाना टै पवे। तुसी कदे टठे होए बंदे नू देखिया, पहलवानी करदे देखिया होना, बंदा एक वारी टै जाए ना, जिहड़ा बंदा टै जांदा ओह फिर शर्मिंदा जिहा होके बाहर चला जांदा, आखो सतनाम वाहिगुरु। हारी हुई टीम जेड़ी आ चाहे किसे गेम दी होवे, जेड़ा हर जांदा ओह बेचारा मोढे ते कपड़े लेके उदां ही उदास जिहा चले जांदा, आखो सतनाम वाहिगुरु। ओह दुनियावी हार है, बेनती करां इथे ढैण नाल इसने जित जाना, आखो सतनाम वाहिगुरु। यही दुनियावी हार दा ते जित दा फर्क है, जेड़ा गुरु दरबार विच ढह जांदा, होए निमाना टै पवे दरगह मान निमाना पावे। एक बारी कह दियो सतनाम वाहिगुरु। ख्याल रखना ए भाई साहब जी कहंदे ने दरगाह विच निमाणिया नू मान मिलदा, आखो सतनाम वाहिगुरु। कदे इतिहास देखिए गुरमुखो, पिलनी गरीबनी है, कोड़ है चलिया हुआ, ऋषि पंपा सर तीरथ ते वड़न नहीं देंदे, कहिंदे नीच है, नीच जात दी है, पंपा सर तीरथ ते कीड़े पै गए। भगवान श्री कृष्ण जी महा रामचंद्र जी महाराज आए, ऋषियों ने बेनती की थी, बेनती की थी महाराज ना ते पानी पीण दे काबल रहा, ना इशनान दे काबल रहा, ऋषि बेचारे उस तरह ही बैठे रहते, तीर्थ प्रिष्ट हो गया, कृपा करो पवित्र कर दे चरण पा के। श्री रामचंद्र जी महाराज ने चरण पा दिते, पर फर्क ना पिया पानी च, उस तरह ही कीड़े चल रहे ने, उस तरह ही गंद आया है, बो आती। जब दो तीन वारी चरण पाए ना, कहिंदे महाराज उहदे च तां फर्क ही नहीं कोई पैंदा,
ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਸ ਪੰਪਾ ਸਰ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਭਿਲਣੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਓ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੜਿਓ ਤਜਰਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋਮੀ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਲਸੀ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕੀ ਲੋ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏ ਗਰੀਬ ਕੋ ਮਤ ਸਤਾ ਵੋ ਰੋ ਦੇਗਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ ਜਰਾ ਗਰੀਬ ਕੋ ਮਤ ਸਤਾ ਵੋ ਰੋ ਦੇਗਾ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਉਸਕੇ ਮਾਲਕ ਕੋ ਤੋ ਜੜ ਸੇ ਖੋ ਦੇਗਾ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਰ ਲੁੱਟਣ ਆ ਗਿਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਤਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ ਭਾਈ ਆ ਦੇਖ ਜਾਵਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਖੋਜਰ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿੱਛਿਓਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆਹਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਿਰਦ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੋ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਉਹ ਪੱਤਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਆ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਗਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਿਲਣੀ ਬੇਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਸੁੱਕ ਗਏ ਪਏ ਪਏ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੁੱਕ ਗਏ ਪੈ ਪੈ ਉਸਦੀ ਚੌਪੜੀ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ ਜਾਂਦਾ
ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪੀ ਜਾ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਿਤੇ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਤਾਲ ਹਰ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰਾਏ।